नेचर लवर्स टुडे आई एम शोइंग यू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द कॉरिओपसिस कॉरिप्सिस की अलग अलग स्पेसीज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही सुंदर फ्लावर देने वाली फ्लावरिंग प्लांट की स्पेसीज हैं इकोरियोपिस आरिकोलेटा कॉरियोपिस लेंस्योलेटा कॉरियोपिस टिंगटोरिया कॉरियोपसिस ग्रांडी फ्लोरा ऑल बिलोंग टू एसटी फैमिली दिस इज द बटन नेम कॉरिओपिस लेंस्योलेटा बिलोंग टू एस्टेलिस्ट फैमिली या आप देख रहे हैं इसमें गोल्डन येलो कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं अगर आप इसको क्यारियों में लगाएंगे बैट्स में लगाएंगे तो इस तरह के फ्लावर आपको खूब फ्लावर इसमें मिलेंगे और अगर आप पोट्स में लगाएंगे गमलों में लगाएंगे तो भी बहुत ही सुंदर और ज़्यादा फ्लावर देते हैं ये प्लांट बेस से ब्रांच होते हैं जिससे गमला या क्यारी भर जाती है और खूब सारे फ्लावर उस पर आने लग जाते हैं और इसको आप बीज से ही ग्रो कर सकते हैं बीज से बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाता है दिसंबर के लास्ट में आप सीड को क्यारियों में बो दीजिए और कुछ समय बाद वो जर्मिनेट हो जाते हैं फिर उनको अलग अलग जगह आप लगा दीजिए तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा फ्लावर देना स्टार्ट कर देते हैं इसकी कई सारी स्पीसीज हैं उनमें से कुछ मेडिसिनल भी यूज की जाती हैं और अधिकतर ऑर्नामेंटल के रूप में इसे ग्रो किया जाता है कॉमन नेम गुदगुदी टिकीड लीफ टिकसीड मून बीम माउस ईयर टिकसीड लोब टिकसीड आदि नामों से इनको जाना जाता है ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द बॉटनिकल नेम कॉरियोपिस टिक दैट बिलोंग टू तो एस्टेरेसी फैमिली इसमें आप जो देख रहे हैं ये कॉरियोपिस टिक है इसको मेडिसिनली भी यूज किया जाता है दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है और ऑर्नामेंटल के रूप में तो इसे बहुत आयत से ग्रो किया जाता है इसको दवाइयों में डायरिया में हैजा में क्रोनिक कब्ज़ में लंबे समय से कब्ज होती है उसमें आँख की बीमारियों में आदि में इसको यूज किया जाता है ए टी मेड फ्रॉम द रूट्स इज इमेटिक यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इसकी जड़ों की चाय बनाई जाती है उसे डायरिया में यूज करते हैं एन इन्फ्यूजन ऑफ दी होल प्लांट विदाउट द रूट हैज़ बीन यूज बाई वन डिजायरिंग फीमेल बेबी जो महिलाएँ फीमेल बेबी की इच्छा रखती हैं अगर वो इसकी इन्फ्यूजन बना कर के उसको लेती हैं तो उससे फीमेल बेबी हो जाता है ऐसा स्टडी में पाया गया है ये कटफरार के रूप में भी यूज किए जाते हैं अगर आप फ्लावर सेलर के पास जाएंगे तो वहाँ ये कट फ्लावर के रूप में बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया जाता है दिस इज बॉटनिकल नेम कोरियोप्सिस ग्रांडी फ्लोरा फैमिली एस्टरेसी ये डबल फ्लावर प्लांट है ये भी एस्टेरेसी का है जितनी भी कोरियोप्सिस की स्पेशज हैं ऑल बिलोंग टू एस्टेरेसी फैमिली तो इसे आप लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर फ्लावर ये देता है लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर होते हैं इसमें ये सारी स्पेशज जो हैं ये जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल मई तक फ्लाहार देती हैं और जितने भी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं उन सभी में कोरियोप्सिस बड़ी अच्छी तरह से ग्रो किया जाता है तो आप देख रहे हैं कितने सुंदर फ्लहार इस पर आ रहे हैं तो अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो इसी तरह की वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें ज्ञानवर्धक नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलेगी थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग कम्प्लीट वीडियो If you like it, please don't forget to subscribe my channel for more such videos.